हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में अपन मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अपन लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था तो कुछ इस तरीके से आया था, 1/f = 1/v + 1/u। और अपन लोगों ने बात करी थी कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है। अब दो तरीके के अपने पास मिरर होते हैं, जिसमें एक अपने पास होता है कॉनकेव मिरर, एक अपने पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक अपने पास होता है अवतल दर्पण और एक अपने पास होता है उत्तल दर्पण। ठीक, फॉर ऑल केसेस। ऑल केसेस से मतलब क्या है, जैसे इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में, ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस साइड में, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो आप इंफिनिटी से पोल के बीच में तो मूव कर सकते हो, इसके आगे तो कहीं और कहीं जा ही नहीं सकते अपन। तो फैक्ट है कि इस बीच में जितने भी केसेस होते हैं उन सबके लिए आप लोगों के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। आगे बस में, लेकिन जब अपन मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे यू वी और एंड जो एफ है अपन लोगों के पास, उसको अपन विद साइन यूज करेंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाठी से अपन लोग वहां पर उसका जो साइन है, उसका जो चिन्ह है, वो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे बस में, और आप सबको पता है एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और यू क्या होता है आप लोगों के पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। मतलब वी क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और यू क्या है आप लोगों के पास, बिंब की ध्रुव से दूरी। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और अगर देख ले, तो अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे 1/f, तो 1/f इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना, वी इंटू यू। ठीक है ना, वी इंटू यू, ठीक है ना, इक्वल टू कितना जाएगा, यू प्लस वी हो जाएगा। तो यहां से एफ की वैल्यू अपन लोगों के पास कितनी आ जाएगी, एफ इक्वल टू आ जाएगा वी इंटू यू अपॉन में यू प्लस वी। एक अपने पास ये फॉर्मूला अपन को डायरेक्ट याद रखना, सिंपल सी बात है। ठीक, और अगर मैं 1/v के केस में बात करता हूं, तो 1/v इक्वल टू कितना जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ऐसी कंडीशन पे 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ यू, और यहां पर कितना जाएगा, यू माइनस का एफ हो जाएगा। तो यहां से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ यू अपॉन में यू माइनस एफ आ जाएगा। अरे बस में, और थर्ड केस में अगर बात करूंगा तो 1/ में यू इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, 1/f माइनस का 1/ में वी। तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एफ वी, और यहां पे हो जाएगा वी माइनस का एफ। तो यहां से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वी अपॉन में कितना हो जाएगा, वी माइनस। ठीक, ये अपने पास इक्वेशंस है। ठीक है ना, कि अगर मुझे फोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला एफ इंटू यू अपॉन में यू प्लस वी। और अगर मुझे वी कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू यू अपॉन में यू माइनस एफ। और अगर मेरे को यू कैलकुलेट करना है तो एफ इंटू वी अपॉन में वी माइनस एफ। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो एक बार इसको, ठीक बेटा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को क्या करना है, देखना आप लोग, अपन लोगों के पास इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखा है सपोज 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपन लोगों के पास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अपन लोगों के पास। ठीक है ना, जिसकी यहां से फैक्ट है, जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, पोल से, और यहां से यहां तक का इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन लोगों के पास, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बात समझ में? तो आप लोगों को बात करनी है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से इमेज का स्थिति बताना है और साथ ही साथ में उसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति से मतलब कि वो आप लोगों के पास रियल है, इन्वर्टेड है, या फिर आप लोगों के पास वो इरेक्ट और वर्चुअल है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आपको बताना है कि वो किस नेचर का है। तो आप देखना, फैक्ट है कि मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, एक तरीके से वी कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है। अब मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो कॉनकेव मिरर है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका फोकस इधर की तरफ ही तो होगा। अगर इसका फोकस इधर की तरफ है तो फैक्ट है मैं विद साइन कन्वेंशन यूज करूंगा एफ यू एंड वी, तो एफ इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो फैक्ट है कि यहाँ पर यू इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे वही यूजिंग मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला अपन लोगों को क्या बताएगा, वी, और वी अपन लोगों के पास कितना जाएगा, एफ इंटू यू अपॉन में यू माइनस एफ। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 इंटू माइनस का 30 अपॉन में कितना जाएगा, माइनस का 30 माइनस माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे माइनस का 10 बचेगा और ऊपर माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो ऊपर तो जाएगा आप लोगों के पास प्लस 600 अपॉन में माइनस का 10, ये कैंसिल हो गया, देन v इक्वल टू आप लोगों के पास आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब देखो v यहां पे माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या, फैक्ट है कि जो v होगा वो भी इधर की तरफ ही कहीं होगा, अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे फैक्ट है कि जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मीट करेंगी। तो फैक्ट है कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये अपन लोगों को क्या बता रहे कि जो बनने वाली इमेज है वो आप लोगों के पास क्या होगी, रियल होगी, अरे बस में। तो फैक्ट है कि अगर मेरे पास रियल है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक तरीके से क्या बनने वाली है, इमेज मेरे पास इन्वर्टेड बनने वाली है, आई बात समझ में। अब अपन देख रहे थे क्या रियलिटी में ऐसा है क्या, क्या जो रेज है वो एक्चुअली में रियलिटी में मीट करेंगी या नहीं करेंगी, अरे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अपन अब इसके यहाँ पे एक रे डायग्राम भी बना लेते हैं साथ ही साथ में, क्या रियलिटी में रेज मीट कर रही है या नहीं कर रही है, फॉर्मूले अपन को ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ यार मीट कर रही होंगी, ठीक। तो देखना आप लोग, अब आपके पास यू कितना है 30 सेंटीमीटर, एफ कितना है 20, एफ 20 है तो फैक्ट है वो यहाँ पे कहीं पर होगा बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे, तो एफ इक्वल एफ यहाँ पर होगा, और फैक्ट है कि अगर एफ यहाँ पर है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पर होगा, अगर ये 20 है तो यहां से यहां तक पूरा कितना जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, अब आपको ध्यान से देखना, ठीक। अब एक रे को तो अपन क्या करें, क्योंकि मुझे अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करनी है तो कितनी रेस पास करनी पड़ेगी, मिनिमम 2 रेस, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, अरे बस में। लेकिन अपन को जो डायग्राम बनाना है एकदम इजी बनाना है, तो अपन कितनी रेस पास करते हैं, 2 रेस पास करते हैं। तो एक रे को तो मैं क्या करता हूं, बिना किसी टेंशन के प्रिंसिपल एक्सिस पर ही भेज देता हूं, और आप सबको पता होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पास होती है वो पोल पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, लंबवत आपतित होती है। तो फैक्ट है जिस एंगल जितने से जा रही है वो उस एंगल से वापस लौट कर आएगी, तो फैक्ट है वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी और इस तरीके से लौट के चली जाएगी कहीं ना कहीं, आई पास में। और एक रे को अपन क्या करते हैं, किसी एक एंगल पर डालते हैं इस तरीके से, आई पास में। अब जैसे ये वाली रे इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल, और नॉर्मल आपको कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है कि नहीं होती है, और ये कह देंगे आपको नॉर्मल। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अब रे इस तरीके से जा रही है, और ये एंगल आपने मान लेते कि ये एंगल आप लोगों के पास एक तरीके से कितना है, थीटा। तो फैक्ट है थीटा से रिटर्न करेगी कि नहीं करेगी, तो थीटा से जब वो रिटर्न करेगी तो देखना आप लोग, थीटा से रिटर्न करेगी और इस तरीके से यहां से कहीं से ऐसे पास हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक। और ये वाली रे भी इस तरीके से इधर से पास हो जाएगी, तो जहां पे ये दोनों मीट करेगी वहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आप खुद देख लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ है, अपन लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज किस किस के बीच में बनती है, इनफाइनाइट और सी के बीच में बनती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप देख लो कि इमेज ऑटोमेटिकली सी के पीछे चलेगी कि चलेगी, और फैक्ट है कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये आप लोगों के पास टोटल कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो अपन लोगों ने यहां पर क्या ऑब्जर्व करा, यहां पर अपन लोगों ने ये ऑब्जर्व करा कि मेरे पास यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है, मेरे पास यहां पे क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट की मेरे पास इमेज जो बनेगी यहां पर वो इमेज भी मेरे पास एक तरीके से क्या होगी, रियल इमेज होगी। अगली बस में, तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बन रही है अपन लोगों के पास, एक रियल इमेज बन रही है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो यहां पर अपन लोगों ने इस तरीके से उसकी पोजिशन भी कैलकुलेट कर ली इमेज की, और साथ में उसका नेचर भी अपन लोगों ने यहां पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। और अपन यहां पे एक चीज नोटिस भी कर ली कि रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां पर बनेगा वो भी एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा, रियल ही होगा। आई बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको एज इट इज, यही फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर।
अपन लोगों को यही कैलकुलेट करना है। तो देखना अब आप लोग, ठीक, इसका फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर इस तरीके से प्लेस है, ठीक है ना। और जो भी अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी अपन कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे, ठीक है। और यहां से यहां तक का पोल तक का जो इसका डिस्टेंस है आप लोगों के पास, यहां से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास, वो आप लोगों को दे रखा कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आप कैलकुलेट करेंगे इमेज का पोजिशन एंड इट्स नेचर। जल्दी से करके बताओ बेटा, ठीक है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक, तो फैक्ट है इस तरीके से रेज यहां से निकल के निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एक रे को तो अपन परपेंडिकुलर डाल देंगे और एक रे को अपन क्या करेंगे, किसी एक एंगल थीटा पर इंसिडेंट करवा देंगे इस तरीके से। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो फैक्टर रेज डाइवर्स हो रही है, किसी एक पॉइंट से रे डाइवर्स हो रही है, मतलब यहां से निकल रही है। इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास यहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। आई बस में यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, v, तो एज इट इज वही यूजिंग मिरर फॉर्मूला करेंगे सिंपल सा, और अपन यहां पे v कैलकुलेट करेंगे, और v की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी, f इंटू यू अपॉन में u माइनस f होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला। अब आप देखना ये कॉन्वेक्स कौन सा मिरर है, ये अपन लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से रखा हुआ, तो फैक्ट है इसका फोकस इधर कहीं होगा कि नहीं होगा, और जब इसका फोकस इधर होगा तो फैक्ट है f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, जबकि u की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, u की वैल्यू होगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों बोला, क्योंकि पोल के इधर है, वैल्यू पुट करो अभी यहां पे आप लोग, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू माइनस का 20 अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 20। आगे बस में तो आप लोगों के पास ऊपर कितना जाएगा, ऊपर तो आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का 400 और नीचे कितना जाएगा 40, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कितने टाइम चला गया 10 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन v इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप बहुत ध्यान से देखना, प्लस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, प्लस 10, अब प्लस का मतलब जो इमेज बनेगी वो किधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। और ये तो आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में अपन लोगों ने जितनी भी बात की थी, हमेशा अगर सिंपल अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है तो जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है कि नहीं बनती, और बिहाइंड द मिरर अगर इमेज ड्रॉ हो रही है, इट मीन्स वो इमेज आप लोगों के पास क्या होगी, एक तरीके से वर्चुअल होगी। तो देखना आप लोग कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक, तो अब जो इमेज बनेगी वो प्लस टेन है, इट मीन्स जो इमेज आप लोगों के पास होगी वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक, तो अपन इसको रेडायग्राम बना के भी देख लेते हैं क्या रियलिटी में ऐसा ही है या कुछ और है। तो आप देखना f इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो फैक्ट है इसका फोकस यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा, और इसका फोकस अगर यहां पर होगा तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जस्ट इससे डबल, पोल से जस्ट डबल डिस्टेंस पर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। अब एक रे को तो अपन ने सीधा भेजा तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए, क्योंकि जो रे यहां पर गिरेगी वो 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई, ठीक। अब जैसे ये वाली रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गई, ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल, तो फैक्ट इसका नॉर्मल यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखना आप लोग इस तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, ये एंगल है आप लोगों के पास थीटा, तो फैक्ट जो रे होगी वो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं जाएगी, और किधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। अब फैक्ट ये वाली रे इधर निकल गई, ये रे इधर निकल गई, कभी मीट ही नहीं करेंगे इन फ्यूचर में, तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे की तरफ जहां पीछे की तरफ इस तरीके से अपन इसको यहां पे बढ़ाएंगे, और ये यहां पे कहीं पर मीट करेगी कि नहीं करेगी, और यहीं पर ये आप लोगों की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये आप लोगों के पास कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो आप नोटिस करो यहां पे ऑब्जेक्ट रियल है, लेकिन जो इमेज आप लोगों के पास बनी वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी। आई बात समझ में, तो अपन लोगों ने पहले केस में क्या नोटिस करा, पहले केस में नोटिस करा कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक ना, रियल बन सकती है। दूसरे केस में अपन लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करा कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल इमेज हो सकती है। पहले वाले केस में कौन था, कॉनकेव मिरर, दूसरे वाले केस में आप लोगों के पास था कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। अभी दोनों केसेस में अपने पास ऑब्जेक्ट रियल है,
लेकिन इमेज एक बार रियल हो गई तो एक बार वर्चुअल हो गई। तो नेक्स्ट देखना हो आप लोग, नेक्स्ट में एज इट इज वही आपको फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, यही कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन देखना हो आप लोग जल्दी से। और अपन लोग साइन कन्वेंशन के फॉर्म में बात कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर जो भी होगा सब क्या होगा आप लोगों के पास नेगेटिव। अब हो सकता है जैसे कि अभी तक अपन ने सारे केसेस, अब इसके इधर जो भी चलेगा सब नेगेटिव चलेगा कि नहीं चलेगा, और इधर जो भी चलेगा सब पॉजिटिव, इधर जो भी चलेगा सब पॉजिटिव, इधर जो भी चलेगा वो सब नेगेटिव। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके का कॉनकेव मिरर ना देके वो ऐसे दे दे, ये चीज भी कर लेते हैं अपन ताकि ये चीज यहीं क्लियर हो जाए। हो सकता है कि वो इस तरीके से दे दे आपको कॉनकेव मिरर, इस तरीके से दे दे, ठीक है ना। और ये आप लोगों के पास पोल्स है, तो अब देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर चला गया, जबकि अपन लोगों ने बात करी कि इधर पॉजिटिव होता है तो यू इधर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। यू अभी भी अगर सपोज यहां पर आप लोगों का यू है, ठीक है ना, अपन लोगों को यू गिवन है, देख लेते हैं अपन। अब अपन लोगों को यू गिवन है यहां पे, सपोज अपना ऑब्जेक्ट यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना, ठीक। और यहां पर अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर, और जो फोकस है वो आप लोगों के पास एज एट 20 सेंटीमीटर है। अरे बस में तब आप देखो फोकस भी इधर हो गया, ऑब्जेक्ट भी इधर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव हो गया, नहीं। हमेशा याद रखना है अपन लोगों को कि जिस साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर जो भी होगा वो सब नेगेटिव होना है आप लोगों के पास। अब उसमें मिरर को ऐसे ना रख के, अपन ने अभी तक जितने भी केसेस में बात करी इसी केसेस में बात करी, अब उसमें मिरर को ऐसे रख दिया केवल बेवकूफ बनाने के लिए। अब अपन को लगेगा कि इधर तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नहीं। अपन को याद रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड जो भी होना है सब नेगेटिव होना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। अब इधर जो भी होना है सब क्या होना है नेगेटिव, और इधर जो भी होना है सब क्या होना है पॉजिटिव। ऊपर तो अभी भी पॉजिटिव और नीचे तो अभी भी नेगेटिव। आई बात समझ में आप लोगों को, जल्दी से मुझे वी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से वी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ठीक, तो देखना आप लोगों के पास। अब आप देखना ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं रखा है, अब इससे दो रेस पास होंगी, एक रे तो बिल्कुल इस तरीके से सीधे पास हो जाएगी, और एक रे को अपन क्या करेंगे किसी एक एंगल पर डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। एक रे को अपन क्या करेंगे किसी एक एंगल पर डाल देंगे इस तरीके से, ये डाल दिया। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो फैक्ट है कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से मेरे पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इससे रेस डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्स होगी। अपन ने बात करते हैं अगर रेज डाइवर्स होती हैं तो आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा, ठीक, जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो अपन पहले यहां पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वी कैलकुलेट करते हैं। तो वी इक्वल टू कितना जाएगा, एफ इंटू यू अपॉन में यू माइनस एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगली बस में। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एफ इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और यू इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मूला कितना बन जाएगा, माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 10, और इधर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना जाएगा 20। अब आप देखना माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर, तो ऊपर तो आ गया आप लोगों के पास 200, और नीचे आप लोगों के पास कितना बचेगा, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो वी इक्वल टू आप लोगों के पास आ गया प्लस 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है आप लोगों के पास, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। और कॉनकेव मिरर में ये प्लस आ गया, इट मीन जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आई बात समझ में, ठीक। अपन रे डायग्राम बना के भी देख लेते हैं कि रियलिटी में ऐसा है कि भी नहीं, कि रियलिटी में वर्चुअल बनेगी या रियली बनेगी। तो देखना आप लोग ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, और फोकस इसका फोकस कितना है, 20। तो फैक्ट इसका फोकस यहां पर कहीं पर इस तरीके से होगा, ठीक ना, इसका फोकस यहां पर कहीं पर इस तरीके से होगा। तो फैक्ट है जितना फोकस उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं पर होगा। अरे बस समझ में आप लोगों को। और आपको पता है कि अब ये वाली रे तो पोल पे गई, अपने पास को इंटरेस्ट करा, लौट कर वापस पहुंच जाएगी इधर ही कहीं, ठीक। अब आप अगले में देखना, अब जैसे ये वाली रे इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट होगी, ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल। तो आप नॉर्मल देखना, इस तरीके से नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में आप लोगों को। अब अगर ये एंगल आप लोगों के पास, अगर अब ये एंगल आप लोगों के पास थीटा है, तो फैक्ट है जितने एंगल से आना है उतने से ही लूटना है, तो थीटा इधर की तरफ कहीं होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो ये रे इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी, ये थीटा,
तो फैक्टरी एंगल थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो ये रे निकल गई ऊपर और ये रे निकल गई सीधा, क्या ये इन फ्यूचर में कभी मीट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो फैक्टरी की अमरेस वाली रे को किधर की तरफ बढ़ाऊंगा? पीछे की तरफ। और इस वाली रे को भी मैं किधर की तरफ बढ़ाऊंगा? पीछे की तरफ। और जहां पे भी ये मीट करेंगे वहां पर आप लोगों की इमेज, अब क्या एक्चुअली में रेस बीट कर रही है क्या? नहीं कर रही। इट मींस यहां पे जो आप लोगों के पास ये इमेज बनेगी, ये एक तरीके से आपके पास क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी आप लोगों के पास? वर्चुअल इमेज होगी। आगे पास में, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये आप लोगों के पास कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अरे बस सुनने, तो यहां पर अपन लोगों ने अभी तक क्या नोटिस करा? अपन लोगों ने ये नोटिस करा कि अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज आप लोगों के पास, ठीक है ना, रियल भी बन सकती है तो साथ में वो वर्चुअल भी बन सकती है। आई बस में, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे। ऑब्जेक्ट की पोजिशन जिस तरीके से होगी इमेज भी उसी नेचर की फॉर्म होगी आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। अब आप देखना, ये तो अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट अपन लोगों ने लिए वो सारे क्या थे आप लोगों के पास? रियल ऑब्जेक्ट है जिनसे रेस क्या ये डाइवर्स हुई है। लेकिन अगर सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, अब आपको पता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर अपन लेंगे, तो देखना आप लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में अपन लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, अभी भी आपको ये V कैलकुलेट करना है, लेकिन अब अपन ऑब्जेक्ट कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो अपन लोगों के पास हो कौन सा ऑब्जेक्ट हो अपन लोगों के पास? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। तो देखना आप लोग, सपोज इस तरीके से मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण है। अब एक रे इस पर इस तरीके से गिरती है, एक रे गिरती है इस तरीके से, एक रे गिरती है इस तरीके से, और एक रे गिरती है इस तरीके से, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है इस पर। अरे बस समझा आप लोगों को? तो फैक्ट है ये रे कहीं ना कहीं इंफिनिटी से आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? अरे बस में, तो अब मैं इंफिनिटी पे तो जा नहीं सकता। अरे बस में कि उसकी पोजीशन मेजर करके हूं ऑब्जेक्ट की, तो मैं क्या करूंगा? अगर सपोज ये मिरर नहीं होता, अगर सपोज ये मिरर आप लोगों के पास नहीं होता, तो फैक्ट है कि इसकी जो पोजीशन होती, ये रे कहां पे जाके कन्वर्ट होती है एक तरीके से? यहां पे जाके कन्वर्ट होती कि नहीं होती? और यहीं पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये रे अगर यहां पे जाके कन्वर्ट होती तो यहीं पर एक ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता? इमेज कब बनती है? इमेज बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर मैं ये मिरर ही हटा दूं तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और ये रेज इस तरीके से यहां पर आके मिलेगी, और यहां पर क्या बन जाएगा आप लोगों का? एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या हो गया? पोल, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस अपन लोगों ने मान लिया कि ये डिस्टेंस अब आप लोगों के पास क्या है? 60 सेंटीमीटर है। अरे बस समझ में आप लोगों को? अब रेज कहां से चल के आ रही? इस तरीके से। लेकिन अब अपन ने क्या करा? बीच में मिरर आ गया, मिरर आ गया, तो अपन ने क्या करा? इन दोनों रेज को किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करवा दिया? मीट करवा दिया। ठीक। अब फैक्ट है जो इमेज फॉर्म हो रही है, अब वो सॉरी जो ऑब्जेक्ट आप लोगों का बन रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे पीछे की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और आप सबको पता है कि मिरर के पीछे रियल ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया तो इससे एक भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे नहीं गिरेगी। तो फैक्ट है अगर यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो फॉर्म होनी नहीं है, और मिरर के पीछे हमेशा आप लोगों के पास चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो क्या होगा? वर्चुअल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है? वर्चुअल। आई नहीं आई बात सुनने? पहले इसको देखो एक बार, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले। ठीक। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसे रेस कैसे गिरेंगी? तो आप बहुत ध्यान से देखना, अभी अपन लोगों ने जो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोगों ने यहां पे सॉल्व करा था, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व करा था उसमें क्या था देखना आप लोग। इस तरीके से आप लोगों के पास एक कॉनकेव मिरर था जिसका फोकस कितना था आप लोगों के पास? 20 सेंटीमीटर, और यू था आप लोगों के पास 30 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान से देखना, ये तो हो गया आपका पोल, ये हो गया आप लोगों का फोकस, और ये हो गया आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 20। तो फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर बीच में होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हो गया 30 सेंटीमीटर पर। याद करो इसके लिए जो अपन लोगों के पास इमेज आई थी वो 60 सेंटीमीटर पर आई थी। तो एक रे को तो अपन लोगों ने क्या करा था? सीधे पास करा था जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई थी, और एक रे को क्या करो आप किसी एंगल थीटा पे भेज दो। ये तो था ना। ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या ढूंढा था? नॉर्मल। तो नॉर्मल अपन लोगों को यहां से कहीं से मिला था कि नहीं मिला था? सर इस तरीके से देखना आप लोग, ये नॉर्मल मिला था कि नहीं मिला था? एंगल थीटा से गया, तो थीटा से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर कहीं पर गया था कि नहीं गया था? तो
तो यहां पे एक रे तो यहां से गई इधर और एक रे यहां पर इमेज बना कि नहीं बना, तो फैक्ट है कोई, अब अपन तो दो ही रहेगी ना, कोई ना कोई एक ऐसी रे भी होगी जो यहां इस तरीके से इस तरीके से यहां से रिफ्लेक्ट हो रही होगी और यहां पे जाके इस तरीके से इधर से जाके इधर जा रही होगी। तो देखो दोनों रेस ऐसे गिरती कि नहीं गिरी, इस वाली रे को देखो और इस वाली रे को देखो, ये दोनों रे कैसे आएंगी बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आने की नहीं आएगी। और अगर मैं इसके आगे इस तरीके से कोई सा भी मिरर लगा, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर ही मैं लगा देता हूं, ठीक है ना, तो अब ये दोनों रेस इस पे कैसे इंसिडेंट होगी, इसी तरीके से तो इंसिडेंट हो रही है। तो अपन लोगों ने यहां पे क्या नोटिस करा, यहां पे देखना आप लोग कि ये रेस अफेक्टेड मिरर तो वही, उसके लिए तो वही ऑब्जेक्ट है जिससे रे आ जाए आगे बस में। अब आप देखो रेस ऐसे चल के आ रही, अब मिरर को लगा रेस ऐसे चल के आ रही, तो फैक्ट है ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो उसने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, उस लाइन को हाइपोथेटिकली इस तरीके से पीछे ड्रॉ करा और मान ले कि जो अब यहां पे कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि इस मिरर ने जो इमेज बनाई, इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। अरे बस में इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो रे इस तरीके से इंसिडेंट होगी, अफेक्ट है, अब रे ऐसे आ रही है तो ये वाला मिरर क्या मान के चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, उसको ये मिरर से ना दिखेगा, तो अफेक्ट है वो क्या करेगा इन रेस को इस तरीके से पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट पे क्या कर लेगा, मीट करवा देगा, ठीक है ना। अपन को ऐसा लगेगा क्या करिए मिरर हटा दे तो यहां पे कहीं, अब रियलिटी में यही मीट करेंगे जाके, तो ऐसी कंडीशन पे वो यही वाला केस है। अरे बात में तब आप बहुत ध्यान से देखना, तो फैक्ट है अगर मैं सिंपल सी बात करूं यहां पे, देखना आप लोग अगर मैं यहां पे सिंपल सी बात करूं तो अपन अब यहां पे इसका फोकल लेंथ एफ इक्वल टू अपन ले लेते हैं प्लस 20 सेंटीमीटर। अगले बस में अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, ऑब्जेक्ट पोल के इधर की तरफ है, तो यहां पर यू इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। आगे ही बस समझ में, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स है तो एफ तो पॉजिटिव ही होना है। आगे ही बस में अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वी, तो वी इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा एफ इंटू यू अपॉन में यू माइनस एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों के पास एफ कितना है 20 इंटू 60 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 20, तो ये ऊपर हो गया आप लोगों के पास कितना आ जाएगा टोटल 1200 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा 40, ये इससे कैंसिल, यहां पे कितने चला जाएगा 30 10, तो v इक्वल टू आ गया प्लस 30 सेंटीमीटर। आगे बस अब प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब इमेज भी अब आप लोगों के पास यहां पे क्या है, वर्चुअल इमेज है, इमेज आप लोगों के पास यहां पे क्या है, वर्चुअल इमेज है। अरे बस में इमेज यहां पर आप लोगों के पास क्या है, वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब इमेज भी किधर की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। देख लेते हैं क्या रियलिटी में पीछे बन रही है, तो देखना आप लोग फोकल ये कितना है 60, तो फोकस जो फोकस होगा वो यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा एफ, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर पे, तो 40 सेंटीमीटर पे क्या होगा आप लोगों के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, 40 सेंटीमीटर पे वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ये रे इस पर गिरी, ये गिरते ही सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल, तो देखना अब इसके लिए नॉर्मल कहां पर होगा, देखना आप लोग इसके लिए नॉर्मल ये बन गया, और इसके लिए नॉर्मल कहां पे बनेगा, देखना आप लोग इसके लिए नॉर्मल ये बनेगा। तो फैक्ट है कि अगर ये एंगल थीटा वन से गिरे तो थीटा वन से लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी, तो देखना आप लोग अगर सपोज ये थीटा वन से इंसिडेंट हो रही है यहां पे तो थीटा वन से लौट जाएगी इधर गई, और अगर ये सपोज थीटा टू से इंसिडेंट हो रही है तो ये थीटा टू से इधर की तरफ कहीं ना कहीं लौट जाएगी, और जहां अब फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे इन रेस को किधर बढ़ाएंगे, पीछे, और इस तरीके से यहां पे आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, यहां से इसको हटा देते हैं अपन, यहां पे क्या बन जाएगी आप लोगों के पास इमेज, और जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, एक तरीके से वर्चुअल इमेज होगी कि नहीं, और मिरर के पीछे ही बन रही है। अब आप यहां पे देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या बनी, वर्चुअली तो बनी। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहां पे एक चीज अपन यहां पे कंफर्म नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वो डिपेंड करेगा किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे मिरर के केस में अपन कभी भी स्पेरिकल मिरर के केस में अपन कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते कि नहीं नहीं अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा, जबकि प्लेन मिरर के केसेस में अपन लोग क्या थे, कंफर्म थे। कंफर्म क्या थे कि अगर सपोज यहां पे मेरे पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है इस तरीके से और यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो फैक्ट है एक रे तो अपन इस तरीके से भेज दो या इस तरीके से भेज दो, जैसा मर्जी पड़े वैसे भेजो,
ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाइवर्स हो रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास है ये एक तरीके से क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर निकल जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगी, और फिर अपन क्या करते थे इस इन दोनों रेस को पीछे की तरफ इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे मीट करवाते थे, और जो इमेज बनती थी वो आप लोगों के पास वर्चुअल इमेज बनती थी। यही तो था। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर सपोज रेस इस तरीके से आए मिरर पर, रेस इस तरीके से मिरर पर आए, इस तरीके से मिरर पर आए, तो फैक्ट है आप रेज ऐसे आ रही, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा इस मिरर को हटाऊंगा और इस तरीके से ऑब्जेक्ट इसको पीछे की तरफ मीट करूंगा, और यहां पे कहीं पर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाएगी कि जाएगी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस अपन को मेजर करनी होती है मिरर से मेजर करनी होती है। तो फैक्ट है आप यहां पे ऑब्जेक्ट को मैंने अब नॉर्मली रेस को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया है और किसी एक पॉइंट पे मीट करवाया, तब जाके मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट जो मिलेगा एक तरीके से मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया तब इसका नॉर्मल इधर, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, यहां पे मीट करेंगी, अब एक्चुअल में मीट करेंगी, तो इमेज यहां पे जो बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी आप लोगों के पास, रियल इमेज। तो प्लेन मिरर के केसेस में फिक्स होता था कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है ना तो इमेज वर्चुअली बनेगी। अरे बस में यहां पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज को क्या होना पड़ेगा, फिर रियल होना पड़ेगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केसेस में अपन लोग ये बात नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ लोगों को? लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशंस फिक्स होती हैं स्फेरिकल मिरर के में, अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी कंडीशंस फिक्स होती हैं वो देखो आप लोग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कुछ कंडीशंस अपन लोग देख लेते हैं, जैसे कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करता हूं तो जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, जो फोकस होगा, ठीक है ना, जो अपन लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो अपन लोगों के पास पॉजिटिव होगा, जबकि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो हमेशा क्या होगा आप लोगों के पास, नेगेटिव। मैं बिना किसी टेंशन यहां पर लिख सकता हूं ऑलवेज, आगे बात समझ लोगों। तो अगर आप लोग कॉन्वेक्स मिरर फोकस के केस में अगर बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकस ऑलवेज आप लोगों के पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट देखना आप लोग, सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो यू होगा वो आप लोगों के पास ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट रियल है तो यू हमेशा क्या होगा अपन लोगों के पास, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल तो ऐसी कंडीशन पे यू आप लोगों के पास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यू आप लोगों के पास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। इसी केसेस में अगर अपन आप बात करते हैं, इफ इमेज इज रियल, अगर आपकी इमेज रियल है तो फैक्ट है जो वी होगा वो आप लोगों के पास ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सपोज आप लोगों की जो इमेज है वो आप लोगों के पास वर्चुअल इमेज है तो फैक्ट है इसका जो वी होगा आप लोगों के पास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ। तो ये कुछ केसेस है जो आप लोगों के लिए ये कंफर्म होते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती अपन लोगों को। लेकिन अब इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट रियल है या फिर वर्चुअल है, और जो इमेज उससे फॉर्म होगी वो डिपेंड करेगा क्या, उसकी पोजीशन पर। लेकिन ये कुछ केसेस हैं जो हर कंडीशन पे फिक्स है कि अगर आपके पास फोकस की बात करोगे तो इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव, इसका फोकस हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट रियल है तो यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू पॉजिटिव, इमेज रियल है तो वी नेगेटिव, और अगर इमेज वर्चुअल है तो आप लोगों के पास वी ऑलवेज क्या होगा, आप लोगों के पास पॉजिटिव। आई बात समझ में, ठीक। एक बार ये पूरा अच्छे से डिस्कस करना, ठीक, देखना पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना बेटा। आई बात समझ में, आज के लिए इतना काफी है।